सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमास्तुते। बहादुर सिंह, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। अरे बोनी भाई, हम तो हमेशा खुश रहने वाले आदमियों में से हैं। भाई दुखी होना किसे कहते हैं ये तो हमें मालूम ही नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे मालूम होगा, तुम ढेरे लाखों में खेलने वाले आदमी है। नहीं, घोड़ों की रेस और मटके की बैटिंग में तुम ऐसे ही लाखों रुपए जीतते हो ना। अरे भाई, अगर हम लाखों रुपया जीतते हैं तो लाखों रुपया हारते भी तो हैं। अब आज ही की बात देख लो, आज हम 3 लाख रुपया हार चुके हैं। मगर नो परेशानी, नो टेंशन, अभी बैंक जाएंगे, पैसा निकालेंगे, चुका देंगे, बस। वाह, अच्छा बहादुर सिंह, एक बात बताओ यार, तुम्हारा ये जो जुए का बिजनेस है ना, इसमें स्मगलर्स और खतरनाक किस्म के लोगों से तुम्हारा पाला पड़ता होगा। पड़ता है। नहीं तो तुम्हें इन सब लोगों से डरवा नहीं लगता? अरे डरना कैसा भाई, ये लाइन ही ऐसी है, यहाँ तो बात बात पर चाकुएं निकल आती हैं, बात बात पर रिवाल्वर निकल आती है। अच्छा, अब तो ये सब चीजें हमें खिलौनों के समान लगने लगी। वाकई में तुम नाम के नहीं काम के भी बहादुर सिंह हो भाई। तुम पहले आदमी हो जिसने हमें समझा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो बोनी भाई, हमारा बैंक आ गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर द लिफ्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते रहना। हाँ जरूर जरूर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी। जल्दी से मेरा ये चेक क्लियर करवा दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। Thank you.
ये लो पैसा। नहीं भाई साहब मत करो भाई साहब। अरे मैं लुट गया बहादुर सिंह बर्बाद हो गया। करवा दी ना जेब खाली तूने। ए चल चल 500 रुपए निकाल। चल चल जल्दी कर 500 रुपए निकाल। चल देख अब तू शर्त हार गया। देख क्या कहा आपने भाई साहब ये शर्त हार गया। मैं बताता हूँ ये मेरा दोस्त राज है और बात यह है कि बहुत सालों से मैं तुम्हारे डींगे सुनता रहा हूँ कि बहादुर सिंह बहुत बहादुर इंसान है हिम्मत वाला है इसे कोई नहीं डरा सकता। इसलिए कल जाके मैंने इसे शर्त लगा ली है और अभी भी कार में जो तुमने सारे डींगे सुना है ये सुन के मुझे यकीन हो गया कि बहादुर सिंह तोप का गोला है। मगर तुम तो छोटे पटाखे की तरह फुस हो गए और मैं शर्त हार गया। मैं शर्त लगाने की चीज हूँ? मैं आपको घोड़ा लगा रहा हूँ रेस कोर्स का। देखिए 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 मिस्टर बहादुर सिंह हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है हमें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी बोल दिया आपने। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से पसीना पसीना हो गया हूँ। आप तो मेरे पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे मैं कोई सड़क चाप कुत्ता हूँ और आप म्युनिसिपैलिटी के आदमी हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरा दिल कमजोर नहीं है वरना मैं मर गया होता। मेरे हाथ पांव अभी तक कांप रहे हैं। देखिए अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा 500 रुपए देना। 500 रुपए हां देता देता। अरे आपको काहे को दे 500 रुपया हैं शर्त आपने लगाई आप दीजिए पैसे। अच्छा अच्छा मेरी गाड़ी भी पता नहीं वहां होगी कि नहीं। अब आंटी को 500 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। अरे अरे बहादुर सिंह सुन तो आप कहां जा रहे। अरे कुछ नहीं कहां जा रहे। चल 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 जल्दी माल निकाल। चल चल जल्दी माल निकाल। अरे यार राज मैं हर बार तुझसे शर्त लगाता हूँ यही सोच के मैं जीत जाऊंगा और हर बार हार जाता हूँ। सचमुच यार शर्त के मैदान का तू सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये ले। ले यार मालूम है तेरे को इस बार तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये शर्त मैं ही जीतूंगा। लेकिन जिस तरह से तूने वो हवालदार को चकमा दिया ना उससे तो ये साबित हो गया कि तेरे से कोई जीत ही नहीं सकता कोई भी शर्त। अरे वो सब तो ठीक है शर्त तो 250 की थी ये तो 100 रुपए। मालूम है ना यार बाकी मैं तेरे को बाद में दे दूंगा कल कल कसम से। बस तू सुधरने वाला नहीं दे दूंगा। लेकिन राज क्या अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है यार। खाने पीने के भी मान दे 50 रुपए दे दे। ये ले भिखारी। अब देख 200 रुपए हो गए समझा ना। हाँ लेकिन 200 कैसे हुए क्या हुआ? आपने इन्हें बंद क्यों किया? क्या किया इन्होंने? सुधा मैंने इनको कितनी बार समझाया कि ये शर्तें लगाना और शरारतें करना छोड़ दो लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। अब इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। राज तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर और छोटा भाई लॉकअप में तुम्हें अपने भाई की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? दरअसल भाभी जी हम दोनों मैं जो कहूंगी चुपचाप सुनो। तार के पेड़ की तरह लंबे हो गए अगर घर के बच्चों जैसे तुम्हारी भैया की जगह। आपने कुछ सुना? हाँ सुना। आपने कुछ नहीं सुना? जाओ अपना काम करो। लेकिन सर क्या करो? काम चलो भैया से माफी मांगो। चलो सॉरी भैया हमें माफ कर दो भैया हम आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे प्लीज। हवलदार छोड़ दो इनको। लेकिन सर मैंने कहा ना छोड़ दो इनको। थैंक यू भैया। थैंक यू। सुनो आज शाम को जल्दी लौटना है मैं मोतीचूर के लड्डू बना के रखूंगी। चलो एक मिनट ये जो तुम तीनों नाटक कर रहे थे ना अभी मैं सब समझ रहा था। और ये मत समझना कि तुम
इनकी वजह से बच गए हो। ये आखिरी वार्निंग है, लास्ट वार्निंग। कल से तुम्हारे कॉलेज खुल रहे हैं, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई, नथिंग एल्स। नाउ गेट आउट। एक मिनट, आप इधर आइए। आज शाम को मैं घर पर जल्दी आऊंगा। वो मोतीचूर के लड्डू है ना, तैयार रखना। क्या तैयार रखना? मोतीचूर के लड्डू। आप भी जाइए, खराब करती हूँ सबको। क्या हुआ रिजल्ट का? अरे मैं तो फेल हो गया यार। अरे क्या बात है यार, तूने नाम रख लिया अपना। हाय हाय, क्या रे बिट्टू। अरे हाय पोनी। हाय चंद्रमुखी। क्या यार, तुझे कैसी गुजरी तेरी? बहुत अच्छी। तेरे को हुआ क्या? क्या हुआ? तू इतनी दुबली कैसे हो गई? रियली दुबली हो गई हूँ ना। क्या है ना, आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो दिखता ही है ना। खाना खाना। खबरदार जो हाथ लगाया, स्टूपिड। क्यों डरती यार, खाने देने इसको भी। अरे खाना यार। एक थम्स अप लाना यार। अरे ये तो किसी लड़की का हाथ है यार। बता ये लड़की कौन है? ये लड़की, ये हाँ माधुरी है। नहीं गलत। नहीं फिर तो शिल्पा, शिल्पा। अबे शिल्पा नहीं, ये तो चुप मोटे, बीच में मत बोल। चल चल बता। शर्मिला। तुम बैठ 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 बैठ। माधुरी, शिल्पा, शर्मिला, अगर मैं तेरी आंखें नहीं खोलती तो तू और 20-25 लड़कियों के नाम गिना देता। अरे नहीं नहीं यार, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तू ही है। हाँ मैं तुझे ऐसे ही परेशान कर रहा था, ये ना मस्ती मस्ती। अरे कसम से बोलता हूँ, मैं अभी अभी तेरी ही बात कर रहा था। हाँ, ये तेरी ही बात कर रहा था। सुना बॉनी, मैं तेरे साथ 3 साल से पढ़ रही हूँ। तेरी एक एक हरकत जानती हूँ मैं। छुट्टियों में कितना इंतजार किया, एक फोन भी नहीं किया तूने मुझे। फोन नहीं किया? फोन? अच्छा याद दिला यार, फोन से वो राज अभी तक आया नहीं है, मैं उसको फोन करके आता हूँ। चल चल, तू तू बड़ा खा। मैं आता हूँ, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। तू तू खा ना, तू खा। चलो हम लोग क्लासरूम में चलते हैं। बाय बाय। अरे पहले दिन में क्लास कौन जाता है? हट। सारे नोट्स भी तो लेने हैं। हाय गर्ल्स। हाय। हेलो चीटल, हाउ आर यू? डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। देख ये बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें बदतमीजी क्या है? आई एम योर फ्रेंड स्वीटहार्ट। छोड़ दे मेरा हाथ। आई सेड लीव माय हैंड। एक फोन करने के बाद सब कुछ बदल गया। ए भैया सैम्बो, ए सैम्बो, लड़की का हाथ छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? एक मर्द ने लड़की का हाथ पकड़ा है। अच्छा, अब लेकिन सैम्बो, क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू किसी मर्द का हाथ पकड़ सके? नहीं ना, मुझे मालूम था इसमें इतनी हिम्मत। अरे अरे, लड़की का हाथ छोड़ दिया इसने, ये नामर्द है यार। साला मारता है मेरे को। अयो अयो, तुम लोग क्या करता जी? अरे सत्या नाश कर देगा तुम लोग। अरे अरे चला तो निकल। आज तू आ गया? आ गया मेरा हैंडसम। अब बोल सैम्बो, तेरे कितने चमचे सब आने दे। अब मेरा यार आ गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा राज, राज कहाँ गया? राज, अरे राज, अरे तू इधर आके बैठ गया। चला राज, जागरण की धुलाई करते। नहीं राज, राज तू मेरा दोस्त नहीं क्या? नहीं ठीक है, तुझे क्या लगता है मैं इनसे लड़ नहीं सकता? नहीं देख राज, मैं इनसे अकेला लड़के इनकी छुट्टी करके वापस आता हूँ। अच्छा।
राज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा मुझे 100 रुपए देगा तो मैं अकेले इन सबकी धुलाई करके आऊंगा। शीतल ये बोलता है ये अकेला इन सबकी धुलाई करेगा। अच्छा अच्छा अगर तू धुलाई नहीं कर पाया तो मैं तेरे को 200 रुपए देता हूँ। 200 रुपए? अच्छा तो ठीक है ठीक है, जा लग गई चल जा 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 मेरे शेर, जा इनकी धुलाई करके आ। शीतल अभी तो मेरी एक खिड़की बन ले ला, याद रखना जब हीरो वापस आएगा ना तब इनकी सारी की सारी खिड़की दरवाजे सब बंद होंगे। क्या करूं यार मेरे पैसे। अरे लगता है मेरे 100 रुपए तो गए। ये तो सिर्फ 50 है यार। ए चंदू सुनना यार, 50 रुपए कम पड़ रहे मेरे को। ढेला चुप्पे, जब जेब में पैसे नहीं होते तो शर्त क्यों लगाता है? आइए प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कितना लपड़ा चालू है। प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। बुड्ढा आ गया, भागो। सर अपना आंख से देख लीजिए, सर हमारा कैंटीन का सत्यानाश हो गया है। क्या है यहाँ? सर यहाँ पर अभी अभी मारा मारी चल रही थी। ये आराम से खा पी रहे हैं। गॉड प्रॉमिस, अभी अभी यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा पता चल रहा था, महाभारत चल रहा था सर। यहाँ तो शांति फैली हुई है। तुम हमेशा स्टूडेंट्स को बदनाम करते रहते हो, तुम्हारी कैंटीन बंद करवा दूंगा। मेरा समय बर्बाद किया, अब मैं जा रहा हूँ। याद रखूंगा सालों तुम्हें, एक दिन ऐसा फंसाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जा जा, अरे बहुत बस बस बस, बहुत ताकत दिखा दी। चल अब 100 रुपए निकाल, चल। 100 रुपए
इलाज मेरे दोस्त मेरे पास 50 रुपए कम है। वो भी आने दे। देखा वो भी ले लिए। अच्छा। हाँ तो दोस्तों कॉलेज के पहले दिन हम स्टूडेंट्स की रैगिंग करते हैं, लेकिन इस साल प्रोग्राम कुछ चेंज है। क्या? स्टूडेंट्स की जगह हम प्रोफेसर और स्टाफ मेंबर्स की खिंचाई करते हैं। वो ऐसे ये शीशे की दवा हम इस बोतल में मिलाकर प्रोफेसर और स्टाफ मेंबर्स को पिलाएंगे, जिसके पीते ही वो लोग आंख मारना शुरू कर देंगे। यू थैंक यू। यू वेलकम सर। एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज। मिसेस टोपी वाला, काफी दिनों से आपके हाथ की चाय नहीं पी। कभी फुर्सत निकाल के घर पे आइए ना। हेलो सर, लीजिए। थैंक यू। क्या बात है सर, अपने पीटी प्रोफेसर मिस्टर पी के मरे कहीं दिखाई नहीं दे रहे? भाई वो तो आशिक मिजाज हैं, आ रहे होंगे अपनी आंखें ठंडी करते हुए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस वर्मन। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता। सर लीजिए ना। ये क्या है? वो क्या है, आज कॉलेज का पहला दिन है ना, तो आप लोगों के स्वागत में हम सारे स्टूडेंट्स ने छोटी सी ट्रीट दी है। ओह ग्रेट ग्रेट, गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। जल्दी करना यार, ये मोटे का सारा वजन मेरे पे है। अरे राज क्या मजा गया मालूम है तेरे को, सब प्रोफेसर लोगों ने एक दूसरे को आंख मारने शुरू कर दिया यार। लेकिन तू ये क्या कर रहा है? सुन, जो प्रोफेसर गुस्से से आएगा हम उसका गुस्सा फूल बरसा कर ठंडा कर देंगे। अरे वाह क्या आईडिया है, फैंटास्टिक यार। ए बच्चा 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 जल्दी 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 जल्दी। ये सर कहाँ गायब हो गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। अरे वाह, मेरी राहों में फूल बिछाए हुए हैं। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, वेल डन। हाँ तो कॉलेज का आज ये सबसे पहला दिन है और पुराने स्टूडेंट्स के बीच मुझे कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। यू, तुम नई नजर आ रही हो मुझे। क्वाइट, इसमें हंसने की क्या बात है? हा? तुम्हारा नाम क्या है? नीलम चौधरी। वाह कितना खूबसूरत नाम है। ये क्या बदतमीजी है? मैं अभी जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेन करती हूँ। लेकिन क्यों? अरे अरे लेकिन सुनो तो, ए मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। कम इन सर। हाँ बोलो। ये कैसा कॉलेज है? अच्छा कॉलेज है। यहाँ के प्रोफेसर और पीयून ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की? जी जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं, उन्होंने मुझे आंख मारी। क्या आंख मारी? ऐसी बदतमीजी स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज में कभी नहीं चलेगी। आज शाम को मैं पूरे स्टाफ मेंबर्स को यहाँ बुलाऊंगा और एक्शन लूंगा। अब तुम जाओ। कौन राज? वही जिसने तुम पर फूल बरसाए थे। अच्छा वो? जी हाँ, उसने कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसी दवा मिलाकर पूरे स्टाफ को पिला दी कि पीने के बाद हर कोई एक दूसरे को आंख मारने लगा। बदमाश कहीं का। अपने प्रोफेसर के साथ इस तरह का गंदा मजाक करने वाले स्टूडेंट्स को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, राज ऐसा लड़का नहीं है। अंकल
नीलम बेटी। नीलम कैसा रहा तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन? अच्छा रहा। अरे हाँ अंकल, यह है शीतल मेरी क्लासमेट और यह है मेरे अंकल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नीलम जी। डीके लेडीज हॉस्टल में मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया, तुम भी एक बार चलकर देख लो और फिर आज शाम को मुझे पूना भी लौटना है। आप आज ही वापस जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाइए ना अंकल। नीलम मुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो गया है और फिर पूना में कारोबार की देखरेख करने के लिए भी कोई नहीं है, और फिर बंबई और पूना में दूरी है ही कितनी, जब भी चाह चला आऊंगा। अरे वाह, नीलम हॉस्टल में रहेगी यानी कि बॉम्बे में अकेली। इसका मतलब ये है तेरी लाइन क्लियर है। हाँ। ए, क्या लाइन क्लियर है? तू उसे अकेला समझकर उससे बात करने की कोशिश मत करना, वरना तेरा मुंह होगा और उसकी हील वाली सैंडल। राज वो तेरे ऊपर बहुत भड़की हुई है, तुझे लुच्चा लफंगा गुंडा मवाली। बाप रे बाप, क्या क्या कह रही थी? इसका मतलब ये है वो डेफिनेटली भड़की हुई। अरे छोड़ यार, प्यार की शुरुआती गालियों से होती है। तेरे को याद है उस दिन जब फूल बरस रहे थे तो मुझे कैसे देख रही थी? याद है ना तेरे को? हाय, पहली नजर में घायल कर दिया। ये सच है? इस बात का तो मैं भी आई विटनेस हूँ। है ना, अगर मैं नीलम से सिर्फ इतना कहूँ कि नीलम आई लव यू, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है वो कहेगी आई लव यू टू। अरे जाजा, अगर वो ऐसा बोल देना तो तू जो कहेगा मैं हार जाऊंगी। शीतल ऐसा मत कर, मेरे दिल से पूछ मैं कितना हार चुका हूँ, ये बहुत चक्करबाज आदमी है, तू भी हार जाएगी। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा तो देख, थोड़े दिनों में रोज दे, जो लड़का जिस लड़की से प्यार करता है उसे एक लाल गुलाब देता है, और अगर वो लड़की भी उससे प्यार करती है तो मुस्कुराकर वो लाल गुलाब स्वीकार कर लेती है। हाँ। है ना, और मैं नीलम को लाल गुलाब देके बताऊंगा। क्या आइडिया है? अरे ए, नीलम फूल लेके सीधा इसके मुंह पे मार देगी। अच्छा, और अगर उसने फूल ले लिया तो? चल लगी 50-50 की। अरे हाँ हाँ, एक मिनट। ए भाई लगाऊं क्या? हाँ बिंदास लगा लगा। मरवाएगा तो नहीं? नहीं नहीं। डन डन। ये यार, ये मोटे को तो वड़ा पाव कोई फूल देना चाहिए। नीलम ने फूल नहीं लिया तो? तेरे को मेरे पे कॉन्फिडेंस है ना? हाँ वो तो है। तो बस रिलैक्स रिलैक्स। अरे राज भाग, वरना वड़ा पाव फूल दे देगी। चुपचाप नीचे नीचे। बड़ी मुश्किल से एक पीला फूल मिला है दोस्ती का, मगर लाल फूल देकर आई लव यू कहने वाला इस कॉलेज में हैंडसम नौजवान कोई भी नहीं है। चुबे सड़े वे गले वे चूसे वे आम, तेरी ये हिम्मत? तुम लोग छुपके क्या देख रहे हो? अरे वो वड़ा पाव से छुप रहे हैं यार, अगर देख लेगी तो जबरदस्ती लाल गुलाब देना पड़ेगा। हे राज, नीलम आ रही है। एक काम कर, तू मुझे लेक्चर के बाद में मिलना, ओके? बाय। तुम लोग जरा यही ठहरो, मैं अभी उसको फूल देकर आता हूँ। जा जा जल्दी जा। ये नीलम को आज फूल देकर ही रहेगा। नीलम जी देखिए, उस दिन मेरी वजह से आपके साथ क्लासरूम में जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। सुनिए, ये सफेद फूल लेकर आप झगड़ा खत्म कर दीजिए प्लीज। देखा, उसने फूल ले लिया ना? अरे सफेद लिया ना। सुनिए सुनिए, झगड़ा तो खत्म हो ही गया, अब ये पीला फूल कबूल कीजिए हमारी दोस्ती के लिए। थैंक यू। या देखा, उसने पीला फूल भी ले लिया। पीले फूल से क्या होता है, उसे लाल फूल देने दे तब पता चलेगा। सुनो नीलम, एक मिनट। अब क्या है? अब जब दोस्ती हो ही गई है तो प्यार में भी देरी नहीं होनी चाहिए, है ना? एक मिनट। ये लो। तुमने मुझे ये फूल देने की हिम्मत कैसे की?
रुपए ला, अब भी ला। कहे यार ये 50 भी कहे। अभी मेरे पास सिर्फ 26 रुपए है, चलेगा? तू कभी भी पूरे पैसे नहीं देता है। अगली बार दूंगा ना, कसम से। राज साला इडियट। राज हार गया ना शर्त। ये अपने आप को समझती क्या है रे? जहाँ हो जाएगी वहीं हम जाएंगे, जहाँ हो जाएगी वहीं हम जाएंगे। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है। कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है। कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। ओ यारो ये हमें लगती है तकदीर। अरे आओ चखावे मजा। खुद को क्या समझती है, इतना अटकती है। कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। इतराती है जाने किसकी भूल है, ये गोपी का भूल है। बिल्ली जैसी लगती है, मेकअप जब करती है। गालों पे तो लाली है, होठों पे गाली है। ये जो नखरे वाली है, लड़की है या है भला। खुद को क्या समझता है, इतना हे
छोड़ो झगड़ा, क्या करो यारों के हम यार है, लड़ना बेकार है। सबसे बढ़ के देत है लग जा गले दिल लुबा। अच्छा तो तुमने सबको आंख मारने की दवा पिलाई थी? हाँ आई एम सॉरी सर। इनफैक्ट आई एम सॉरी। आपको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, यू कैन गो। प्लीज मेरी बात तो सुनो। प्लीज मेरी बात सुनो, डोंट वेस्ट माय टाइम। क्या गर्मी है इनके प्यार में, अंडों में से बच्चे निकल आए। हाय डैड। बेटी ये तुम्हारे आने का टाइम है क्या? बेटी तुम्हारा कॉलेज 12 बजे खत्म हो जाता है और इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। कहाँ थी तुम इतनी देर तक? ओहो डैडी आई एम सॉरी। बस अब सुनिए, आज हमारे कॉलेज में बहुत मजा आया। अच्छा? अंडे और सड़े टमाटर खा खा के राज और बॉनी की तो हालत खराब हो गई। क्या 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 क्या? अंडे और सड़े टमाटर? हाँ। तुम्हारे कॉलेज में इतनी गंदी चीजें खाने को मिलती? हाँ मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हारी सेहत दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है। नहीं नहीं डैडी आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना मुन्ना है, आज के बाद तुम अपने कॉलेज की कैंटीन में पानी तक नहीं पियोगी। ओहो आप तो कुछ समझते ही नहीं। अरे बेटी बेटी। साहब मेहमान आ गए, आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। बेटी 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 शुक्रिया। कहिए चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं? ऑपोजिशन वालों ने जनता को अपने वादों और भाषण के जाल में बुरी तरह फांस लिया है। ऑपोजिशन अगर जनता को भाषण देती है तो हम जनता को राशन देंगे। राजनीति की भैंस के लिए दौलत की लाठी की जरूरत होती है और वो लाठी मेरे पास है। कैलाश साहब पिछली बार भी हमने कुछ कम पैसा खर्च नहीं किया था, दरअसल हमें जनता की हमदर्दी चाहिए। तुम ठीक कहते हो चौधरी, जनता की हमदर्दी पाने के लिए क्या करना चाहिए ये तुम मुझ पर छोड़ दो। I'm sorry, I'm sorry. कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। यहाँ चोट आई होगी? नहीं कहीं चोट नहीं आई। यहाँ तो डेफिनेटली चोट आई होगी। अरे बाबा कहीं चोट नहीं आई ना।
चांस मार रहा है। मेरे ख्याल से उसे चोट लगी। जब वो कह रही है कि चोट नहीं लगी तो तुम मान क्यों नहीं लेते? तुम लोगों को तो सिर्फ बहाना चाहिए। यू स्टूपिड, यू इडियट, यू डॉगी, यू यू। कमाल की औरत है। मेरा मतलब लड़की है। अरे ये लव प्ले की किताब तो मुझे चाहिए थी। तो ठीक है, तुम पहले इसे पढ़ लो। नहीं, तुम पढ़ लो। ये टॉपिक तो मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ चुका हूं। आपका नाम? मिस नीलम राज मल्होत्रा। मिस नीलम राज मल्होत्रा? नहीं, मिसेस नीलम राज मल्होत्रा। अरे, क्या कर रहे हैं आप? लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम। जाने दो उसे, उसका लंच टाइम हो गया। लेकिन उसने मिसेस नीलम राज मल्होत्रा लिख दिया है। अच्छा, हाँ, जानते हो इसका मतलब? क्या इसका मतलब? देखो, एक ना एक दिन हमारे दो नामों को एक होना ही है, क्यों ना आज से ही। Thank you.
three girls, form a straight line from here. Yes, that's it. Good. Rosie. Good. Sheeta. And Neelam. Yeah. यार बॉनी, हाँ? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, सिलेक्शन हो रहा है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए अपनी कॉलेज की लड़कियाँ 7 दिन के लिए नासिक जा रही है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट? हाँ। लेकिन नीलम और शीतल को तो बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता। तो क्या हुआ? खूबसूरत तो है ना वो? हाँ। पागल है तू भी? यार नीलम के बिना तो बहुत कॉलेज सुना सुना लगेगा। सुना सुना तो कुछ करते हैं क्या? चल अपन भी चलते हैं। अरे पागल है, मरना है क्या? वो लोग वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में ठहरने वाली, और अगर हम लोग गलती से भी वहाँ चले गए ना तो इतने जूते पड़ेंगे कि गिनती भूल जाएंगे हम लोग। सुन। नहीं नहीं यार। अरे चलो यार। अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता यार। हमें नासिक तकलीफ मिल सकती है? नासिक? हमारी आखिरी बस छूट गई है और अब शाम भी होने वाली है। इस घने जंगल में हम दोनों खूबसूरत लड़कियां कैसे रहेंगी? आप आइए ना, प्लीज कम। चल। कम कम। थैंक यू। वेलकम। Excuse me. Yes. आप लोग कहाँ जा रही है? जी हम नासिक जा रहे हैं बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने। ओह अच्छा। आपका नाम नीलम है ना? आपको कैसे मालूम? जी मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप जिसके बारे में सोच रही हो ना, उसका नाम आर से शुरू होता है, मैं ये भी जानती हूँ। आपको कैसे पता चला? आप कहाँ देख के? यार ये ड्राइवर, यार कितनी गर्मी है यहाँ पे तुम्हारी इंजन के पास में। मैं पीछे कहीं बैठता हूँ। हाँ। Excuse me, please. Nice. आपका क्या नाम है? सोफी। ओ। आपका नाम क्या है? हनी। हनी। What a sweet name. आप कहाँ रहेंगी नासिक में? विठल दास हॉस्टल में। ओह, है? विठल दास हॉस्टल में? हम भी तो वहीं रह रहे हैं। जी? हाँ। आप भी वहीं? आप भी वहीं हैं? हाँ। Oh my God. मुझे फंसा दिया ना वो साला प्रोफेसर पीके मरे, वो मेरे प्यार में पड़ गया है। देख ये देख, मुझे खत लिखा है उसने। लिखता है आज रात को 12 बजे गार्डन में मिलना, रोमांस करने।
तो क्या हुआ, इंतजार करके चला जाएगा या लेडीज हॉस्टल में थोड़ी आएगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरा मतलब जा रहा हूँ, ठीक है, नीलम को मिलने। जाइए। हाय शीतल, कहाँ जा रही हो? वो मेरी सहेलियाँ ना नीलम, ना तो उसे नींद आती है और ना ही मुझे सोने देती है, इसलिए मैंने सोचा किसी दूसरे कमरे में जाके सो जाऊँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है दरअसल मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैंने सोचा किसी के साथ बैठ कर गप्पे मार लूं। एक काम करो, हाँ। तुम नीलम के पास जाके गप्पे मारो, हाँ। और मैं तुम्हारे कमरे में जाके हनी के पास सो जाती हूँ। हाँ, हाँ। अरे मर गया बोनी। हनी सो गई क्या? हाँ। अच्छा तो तू जाग रही है? हाँ। अरे तू इतना कांप क्यों रही है? मुझे सर्दी लग रही है, लगता है फ्लू है। अच्छा मैं भी किसी को बुलाकर लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सोचूंगी ना अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एक काम कर, मैं तेरे सीने पे थोड़ा सा बाम मल देती हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सीने पे नहीं, अगर मल नहीं है तो पीठ पे मल दो। तूने तो बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हुए। मुझे ना बगैर कपड़ों के सोने की आदत है। हाँ। अच्छा बस अब, थैंक यू वेरी मच, चलो ना अब सो जाते हैं। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। अरे हनी तेरे पैर पे इतने बड़े बड़े बाल, तू हेयर रिमूवर नहीं यूज करती? करती हूँ मैं, रिमूवर लगाती हूँ फिर उग जाते हैं, फिर लगाती हूँ फिर उग जाते हैं। वो क्या है, घर की खेती है ना, जब जी में आता है उग जाते हैं। अच्छा अब मैं बहुत थक गई हूँ, सो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। अब मैं समझी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। अच्छा फर्स्ट कर के राजा आ गया तो तो लेकिन राजा कैसे आएगा? प्यार करने वाले तो कहीं भी आ सकते हैं। मान लिया अगर राजा आ गया तो तू खुशी के मारे लिपट जाएगी। हाँ जी तो बहुत जाएगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मैं पहले थोड़ा नाटक करूंगी, थोड़ा भाव खाऊंगी, थोड़े बहुत नखरे करूंगी, उसके बाद उससे कहूंगी चले जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? फिर क्या, वो जाने लगेगा, मैं उसे रोक लूंगी, मनाऊंगी और आंखों में आंखें डालकर उसे कहूंगी राज I love you। मैंने कहा था ना प्यार करने वाले कहीं भी आ सकते हैं। निगाहों में नशा है अदा है
कहाँ बंद है, ओ आजा तुझे बाहर मिल लूँ मैं, रुक ये गजब है कयामत है, धड़कने मस्त निगाहों में नशा है अदा है मोहब्बत है, देखा तेरी मस्त निगाहों होशिया उफ दो दिनों के साज पर गाने लगी है खामोशिया, अपनी जुल्फों की खुशबू उड़ा और मुझको दीवाना बना, देखा तेरी मस्त निगाहों में नशा है अदा है मोहब्बत है, ओ देखा तेरी मस्त निगाहों में तो मर गया बोनी, कहाँ छुपूँ?
अपनी सहेली को भी भेज दिया। प्रोफेसर लगता है दोनों तरफ आग लगी है। हनी हनी आप यहाँ क्यों चले आए? अरे बाहर आउटडोर में गार्डन में खड़े खड़े मेरी कुल्फी जम गई थी। कुल्फी आपको यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। अरे किसी ने नहीं देखा। आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। चले जाऊं बगैर कुछ किए? तो क्या आप कुछ करने वाले थे? हाँ प्यार मोहब्बत की बातें जो बस की भीड़ भाड़ में नहीं हो पाई थी। अरे ये तुम्हें देना ही भूल गया। देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। देखो ना हरी बल्कि मेरे को बेवकूफ बनाया। बेटी नीलम तुम्हारे अंकल अभी तक नहीं आए। जी मैंने फोन तो कर दिया है बस आते ही होंगे। नहीं नहीं कैलाशनाथ जी आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इनकी जमानत दे दी है। जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी हाँ गुड बाय। इस पे साइन कीजिए। हवलदार उन लोगों को छोड़ दो। जी सर। वेलकम वेलकम। वाह 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 वाह। मैंने आप लोगों को यहाँ ये जानने के लिए बुलाया है कि आप लोगों की जेल यात्रा कैसी रही। वहाँ अपने माँ बाप या अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल तो नहीं आया होगा ना है? मगर डैडी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मैंने कब कहा कि कसूर तुम्हारा है? कसूर तो मेरा है मेरा जो मैंने तुम्हें इतनी लंबी छूट दे रखी है। शर्म नहीं आती अपने आप को बेकसूर कहते हुए? मैं पूछता हूँ तुम दोनों को क्या जरूरत थी इन लुच्चे लफंगों का साथ देने की? हमें पता नहीं था अंकल कि ये दोनों कब वहाँ लड़कियाँ बनकर आ गए। वो तो हमें हॉस्टल के कमरे में पता चला कि वो लड़कियाँ ये राज और बोनी थे, है ना शीतल? अंकल अंकल ये तो झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने क्या कसूर किया है? मुझे मेरे अंकल ने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, तुम्हारी तरह हंसी मजाक करने के लिए नहीं, समझे? तुम दोनों जैसी हंसी मजाक करने की हमारी आदत नहीं है। दादी मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ ये बनी आके कहता है छोड़ दो पढ़ाई, फर्स्ट क्लास पास होके कौन सा बड़ा तीर मार लोगी। नहीं अंकल ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। शट अप। शीतल चलो तुम्हारे कमरे में चलकर पढ़ाई करते हैं। शाबाश 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 बेटी जाओ जाओ बेटे शाबाश शाबाश। और हाँ डैडी आज हम खाना नहीं खाएंगे, खाना खाने से नींद आ जाती है और फिर पढ़ाई नहीं होती। ठीक है बेटी। हाँ लेकिन जूस जरूर पी लेना। हाँ देखा इन दोनों को पढ़ाई करने का कितना शौक है और एक तुम दोनों हो। और तुम है? अरे कमबख्त तुम क्या कह रहे थे फर्स्ट क्लास आकर कौन सा तीर मार दोगे? ओए शर्म करो शर्म कर। जो स्कॉलरशिप तुझे पढ़ाई के लिए मिलता है उसका सही इस्तेमाल करो और जिंदगी बना। जी। और तुम है? इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा के छोटे भाई हो ना तुम है? मैं अबू से फोन करता हूँ कि इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करो और इसे किसी डाटा कंपनी में दाखिल करवा दो। लड़की बनने का बाहर शौक है इसे। अभी फोन करता हूँ। अंकल अंकल प्लीज अंकल नहीं प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अंकल पैर पड़ता हूँ प्लीज आप मेरे भाई को फोन मत कीजिए। आप नहीं जानते वो कितने स्ट्रिक्ट है। आप जो सलाह देना चाहे दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है मैं अभी तुम्हारे भैया को फोन करता हूँ कि इसे किसी नाटक कंपनी में भर्ती करा दो। इसे लड़की बनने का बड़ा शौक है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आपके पैर पड़ता हूँ मेरे भैया को फोन मत कीजिए वो बहुत स्ट्रिक्ट है। बस करो बात हो गया। एक तो कल तुम दोनों ने मुझे अंकल के सामने फंसा दिया और अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे बात ही ऐसी है डैडी ने कल जो तेरा हाल किया वो देखने लायक था। अबे ओ शीतल मैं तेरे डैडी की बहुत इज्जत करता हूँ और अगर मैं चाहूँ ना तो तेरे डैडी को हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सकता हूँ। मेरे डैडी और तेरे आगे गिड़गिड़ाएं इम्पॉसिबल। लगानी है शर्त? अरे जाने देना यार क्या पागल जैसी बातें कर रहा है तू भी। देख तेरे को शर्त नहीं लगानी तो मत लगा। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ ये खेल में जीत मेरी होगी। क्या बोलती है? अरे लगी 5-5 सौ की मेरी भी लग गई। अच्छा चल ठीक है तो ऐसा करते हैं हम तीनों एक तरफ और तू एक तरफ। हाँ लेकिन शर्त ये है कि तुझे अंकल को हाथ पैर जोड़ने पे मजबूर करना पड़ेगा है कि नहीं? तो ठीक है कल हम रोज के मीटिंग पॉइंट पर मिलते हैं। डन। हाँ हाँ डन डन। हाय हाय
चल चल। चलो यार, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मनोरी आइलैंड। मनोरी आइलैंड? लेकिन शर्त तो यह है कि तुझे मेरे डैडी को डराना है। हाँ, वही तो करने जा रहा हूँ। सुनो, शाम तक हम मनोरी आइलैंड रुकेंगे। जब तुम घर नहीं पहुंचोगी तुम्हारे डैडी परेशान हो जाएंगे। फिर उन्हें मेरा फोन जाएगा, मिस्टर कैलाश नाथ तुम्हारी बेटी किडनैप हो गई है। और ये सुनते ही उनकी हालत खराब हो जाएगी, वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। लेकिन मैं कहूंगा, हाँ मैं ये कहूंगा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए वरना तुम्हारी बेटी। अरे फैंटास्टिक यार, साला ये शर्त भी हार गया मैं। अच्छा काम करना बॉस, ये 500 मुझे 250 तू अभी से रख ले, बाकी कल दे दूंगा। नीलम शीतल इसको पैसे दे दो अभी से। अरे अभी कैसे दे दे, पहले से फोन तो करने दे। हाँ हाँ मुझे कोई जल्दी नहीं है, फोन करने के बाद दे देना पैसे। क्या क्या बक रहे हो, मेरी बेटी को किडनैप क्यों किया तुमने? कौन हो तुम? मैं बहुत बड़ा किडनैपर बोल रहा हूँ, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा वरना तुम्हारी बेटी मार दी जाएगी। शट अप, जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अंकल पुलिस की बात कर रहे देखिए मिस्टर, मैं कोई छोटा मोटा चोर उचक्का नहीं हूं। अगर तुम अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो तुम्हें मेरा कहा मानना पड़ेगा। क्या चाहते हो तुम? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि मेरी बेटी तुम्हारे कब्जे में है? मैं जानता था तुम ये सवाल जरूर करोगे। लो सुनो अपनी बेटी की आवाज। चिल्ला चिल्ला। हाँ बोल बोल। बेटी बेटी डैडी मुझे बचा लो डैडी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तुम 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 बेटी, मैं तुम्हें बचा लूँगा बेटी। सुन ली अपनी बेटी की आवाज, और अब काम की बात सुनो। मनोरी आइलैंड का नाम तो तुमने सुना ही होगा, इसी वक्त रुपए लेकर पहुंच जाओ। और उनको बोल नोट सीरियल नंबर मेन्यू नहीं चाहिए। और हाँ, नोट 20 के 50 के और 100 की शक्ल में होने चाहिए, वो भी सीरियल नंबर में नहीं, समझे? लेकिन लेकिन उसके लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा। क्या हुआ? अंकल तो बैंक जाने की बात कर रहे हैं, यानी बात कल पर आ गई? नहीं नहीं नहीं, आज आज। शीतल तुझे रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं और बनी यहाँ रुक जाते हैं। क्यों बनी? नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, कल 12 बजे बैंक से रुपए लेकर सीधे मनोरी आइलैंड पहुंचाना। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, मैं 12 बजे मनोरी आइलैंड में 5 लाख रुपए लेकर पहुंच जाऊंगा। लेकिन प्लीज मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, लेकिन अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की या पुलिस को खबर की तो मैं तुम्हारी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें 6 महीने तक इंस्टॉलमेंट की सूरत में भेजता रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, हेलो 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 हेलो, आज की रात यहीं रुक जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे कोई है? Thank you.
हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये कॉटेज आपका है? हमें एक रात के लिए किराए पर मिलेगा। किराया? हाँ। अब भाड़े से, भाड़े से। साहब डरने के बात नहीं, ये मेरा स्टाइल है। इधर चोर डाक लोग आते बोल के हम लोग को ये सब कुछ करना पड़ता। आप लोग क्या लेंगे? चाय, ठंडा कॉफी, चाच, थम्सअप, थम्सअप, सेवन अप, लिमका, नींबू पानी, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। काले नारियल का पानी मिलेगा जी। हमको कुछ नहीं चाहिए। आप ये बोलिए कि कॉटेज का भाड़ा क्या है? 2000 रुपया। 200 रुपया? साहब दे तो है, पर 200 रुपए दे के आप झटका मत करो साहब, बहुत गरीब आदमी। ये तो सेठ को जाता, हम खाली इसमें 20 रुपए मिलता, बहुत तकलीफ है जी। आप मेरे बात सुन, मेरे छोड़ 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 बच्चे लोग, आपको मालूम बच्चे क्या होते हैं? 200 रुपया? तुम मेरे बात सुनो, मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे बात सुनो। हमारे घर में कट्टे नहीं, हम चट्टा बिछा के नीचे सोता, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ है। हमारे घर में चोट हो सका, मेरा औरत और भाई एक ऊपर एक सोता है, इसमें चार बच्चे लोग हैं। मेरे मेरे बात सुनो, एक मिनट। राघवन है, माधवन है, मुत्वन है, श्रीनिवास ने इन वाली गया। ये मेरा बड़ा चौकर है, इसको मैं बहुत बड़ा एडवोकेट वकील बनाने वाला। क्यों मालूम है? बहुत झूठ बोलता, बड़ा मुट्ठल है। ये मेरा दूसरा चौकरा, इसको मैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला है। क्यों मालूम है? बहुत काम चोर है, कोई वरंगड़ा सुनाड़ा। ये मेरा तीसरा चौकरा, इसको मैं बहुत बड़ा अवलदार पुलिस वाला बनने वाला। क्यों मालूम है? 1 रुपया 2 रुपये लेने के बगैर कोई काम नहीं करता, पूरा भैया। ये मेरा छोटा चौकरा बहुत अच्छा है, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये कभी तरक्की नहीं करेगा। मेरे बाप नारियल पानी बेचेगा। क्यों मालूम है? ये बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा, बड़ा। ठीक है ठीक है, आप 200 रुपए से ज्यादा ले लेना। ये लो 50 रुपए एडवांस। बस देखे साहब, साहब का जितना बड़ा जूता है उससे बड़ा इनका दिल है। चलना यार, चलते हैं, पका दिया अभी तक तो। साहब आप लोग बहुत अच्छे टाइम पर आ गया है, आज आप लोग का त्योहार है अपने गांव के अंदर। आप लोग उधर थोड़ा आएंगे, बहुत मजा आएगा, नाचेंगे, गाएंगे, बहुत मजा आएगा, आने के बहुत खुशी होंगे। Bye.
जो मैं गया रूठ कर तुझसे तो क्या करेगी बता, क्या फिर तुझको करूंगी, घर लौट कर फिर ना आया तो क्या हाल होगा तेरा, मैं तो जीना कबूगी, जान मैंने तो की तेरे संग दिल लगी, की तेरी दिल लगी जान लेगी मेरी, छोड़ गुस्सा मुस्कुरा दे में कितनी देर लगेगी, बस आते ही होंगे। कैलाश जी गिनतो लीजिए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हेलो इंस्पेक्टर सुरेश। मैं डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर मिस्टर भट्ट बोल रहा हूं। शहर के जाने माने बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन मिस्टर कैलाश अभी अभी हमारे बैंक में आए थे। मिस्टर कैलाश नाथ? जी हाँ। वो काफी घबराए हुए लग रहे थे और हैरत की बात तो यह है कि उन्होंने नोट्स सीरियल नंबरों में नहीं लिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उनके साथ और कोई था? कोई नहीं, वो अकेले ही आए थे। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। सर, कैलाशनाथ जी का नौकर वहां खड़ा है। जी भैया, कैलाशनाथ की बेटी शीतल तुम्हारी क्लास में है ना? जी हाँ। कल सुबह वो कॉलेज आई थी क्या? जी नहीं, कल वो कॉलेज नहीं आई थी। क्यों, क्या बात है भैया? कल सुबह किसी ने उसका किडनैप कर दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? कैलाशनाथ के नौकर ने मुझे सब कुछ बताया है और किडनैपर्स ने कैलाशनाथ से 5 लाख रुपए की डिमांड की है और अभी 12 बजे पैसे के साथ कैलाशनाथ को मनोरी आइलैंड बुलाया है। अरे जल्दी करो, 12 बजे से पहले वहां पहुंचना है। सुनो, इसका जिक्र किसी से मत करना, समझ गए ना? चलो। सब अलर्ट हो जाओ, जब तक मैं ना कहूं किडनैपर पर कोई फायर नहीं करेगा। बस अब किडनैपर आता ही होगा। कौन आता होगा? किडनैपर आता ही होगा। कैसे जाता मैं वहां?
भैया पूरी पुलिस फोर्स लेके मनोरी आइलैंड पहुंच चुके होंगे। अगर मैं घर नहीं पहुंचता तो हम सब पकड़े गए होते। अब क्या करेंगे? करना क्या है, शाम को फिर फोन करूंगा। हर बार थोड़ी नौकर सुनेगा। हम लोग तो यहाँ पे मजे कर रहे हैं, पता नहीं वहां पर अंकल का क्या हाल होगा। दो घंटे हो गए लेकिन वो किडनैपर अभी तक नहीं आया। इसीलिए इस देश की कोई तरक्की नहीं होती, किसी को भी वक्त की कोई कदर नहीं। उसने अपने साथ साथ हमारा वक्त भी बर्बाद कर दिया। सर वो जा रहा है, लगता है वो भी बोर हो गए। किडनैपर को जरूर पता चल गया होगा कि हम लोग यहां पे आने वाले हैं, लेकिन उसे कैसे पता चल गया होगा। खैर कैलाशनाथ के घर पे आने वाले हर फोन को टैप करना होगा। वो किडनैपर वहां पर दोबारा जरूर फोन करेगा। हेलो, मैं किडनैपर बोल रहा हूं। अरे भाई मैं भाग गया था, लेकिन तुम नहीं आए वहां। इसलिए कि पुलिस वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। पुलिस पहुंच चुकी थी? इंस्पेक्टर सुरेश अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। लेकिन मैंने तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तुमने नहीं, तुम्हारे बदमाश नौकर ने इंस्पेक्टर सुरेश को सब कुछ बता दिया। नौकर? हाँ नौकर। जाकर देखो तुम्हारा नौकर क्या कर रहा है। वो इस वक्त बाजार गया है। तो फिर इसी वक्त मोतीबाग चेकनाका चले आओ, आगे तुम्हें एक हनुमान मंदिर मिलेगा, वहीं पैसे लेकर पहुंच जाओ। मैं अभी निकल रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम वहीं जाना, वहां से जाना नहीं। मैं रुपया लेकर आ रहा हूँ। अब किडनैपर नहीं बचेगा। कौन नहीं बचेगा? किडनैपर। चलो हनुमान मंदिर। हनुमान की जय। जानना कहाँ जा रहा है? मैं हनुमान के मंदिर जा रहा हूँ, उधर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मेला? अबे गड़बड़ हो गई, चल। हेलो, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम कुछ चेंज हो गया है। मैंने तुम्हें हनुमान मंदिर बुलाया था, लेकिन अब मोतीबाग चेकनाके से लेफ्ट साइड टर्न ले लेना। वहां तुम्हें एक ब्रिज नजर आएगा, उस ब्रिज पर पहुंचते ही तुम अपना रुपए वाला बैग गाड़ी से फेंक देना और पीछे मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। मैं निकल रहा हूं, लेकिन इस बार प्रोग्राम चेंज मत करना प्लीज। ओके, अरे वो दोनों आए कि नहीं अभी तक? अभी मुलाकात करके आते ही होंगे। देखता क्या है? अंकल को वापस देने इतना रुपया। चल अभी चल। नीलम, ये देख नीलम, मैं जीत गया, ला 500 रुपए। चल। इसका मतलब अंकल तुमसे डर गए? यस। मैंने तेरे को पहले ही बोला था, रात से कोई नहीं जीत सकता। शीतल कहाँ है? अंदर है। चल उसे 500 रुपए लेने। हाँ, चल, 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 हाँ। चल 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 मजा आएगा अब तो। नहीं।
तुम तो यहाँ थी, कौन आया था यहाँ? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया था। तो फिर ये राज, राज हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे? बॉनी, हमें अंकल को सब कुछ बता देना चाहिए कि हमने ये खून नहीं किया, हम तो मजाक कर रहे थे। कौन यकीन करेगा हम लोगों की इस बात पर? सिर्फ शीतल ही जानती थी कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, और खून का इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा राज। और तो और पुलिस भी यही समझेगी कि हम ही लोगों ने शीतल को किडनैप किया और उसके बाद पैसों के लालच में आके उसका खून कर दिया। हम लोगों को जेल हो सकती है, जेल। तो फिर क्या करें? सुन, एक काम करते हैं, इसे ले जाकर कहीं जंगल में दफना देते हैं। ठीक, इस बात का किसी को पता नहीं कि शीतल हम लोगों के साथ थी, तो उसके गायब हो जाने पर किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा कि वो हमारे साथ थी, और हम पर शक भी नहीं होगा। ठीक है, तू सही बोल रहा है। चल चल, जल्दी बाहर से गाड़ी लेके आते। हाँ चल। अन्ना, हमने खून नहीं किया, हम तो मजाक कर रहे थे। पता नहीं कौन आके शीतल का खून करके चला गया। हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं अन्ना कि शीतल हमारी दोस्त थी, और हम उसका खून क्यों करेंगे? क्या बोला? ये जब तक हम कान में नहीं डालेंगे ना, मेरे कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता। ये मेरा कानपुर में हड़ताल है, जैसे तुम्हारा नागपुर में चौक पे ना। क्या क्या बोला आप लोग? क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। ओके सर। अरे सब ठीक हो जाएगा, रो मत। आहिस्ता घुस लो। बाहर आओ। तुम्हारी गाड़ी की टेल लाइट क्यों नहीं जल रही? आप लाइट की बात कर रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं बिना टेल लाइट के हाईवे पर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है? रहते कहां हो? आप इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा को जानते होंगे, मैं उनका भाई हूं। क्या
तुम सुरेश के भाई हो? हाँ। ओ। हवलदार। जी साहब। सामने गैरेज से मैकेनिक को बुला कर लाओ। सुरेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रेनिंग में हम दोनों साथ थे। जी साहब। हाँ सुनो, ये लाइट रिपेयर कर दो। जी साहब। साहब लाइट तो ठीक है, लगता है अंदर से कनेक्शन टूट गया है। डिक्की खोलनी पड़ेगी। क्या डिक्की खोलनी पड़ेगी? जाओ चाबी ले आओ। आप रहने दीजिए, आपको जाने में देर हो रही होगी, मैं कल सुबह बना लूंगा। देखो हाईवे का मामला है, लाइट रिपेयर करवाना बहुत जरूरी है, जाओ। चाबी। चाबी है ही नहीं, शायद मैं घर बुलाऊंगा। ये लो चाबी, लेकिन कल रिपेयर जरूर करवा लेना। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। यार कमाल हो गया, अभी अभी तो मैंने डिक्की लॉक की थी लेकिन उस मैकेनिक से खुली नहीं। खुलेगी कैसे, चाबी तो इधर है। तूने चाबी निकाल ली? Thank God. तुम लोग आगे आके चलो, मैं जीप लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। आप तकलीफ मत कीजिए। हाँ। हम लोग चले जाएंगे, इसमें तकलीफ ही कोई बात नहीं। कम ऑन हरी अप, जल्दी आओ। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट, कल लाइट जरूर बनवा लेना जी। और हाँ, सुरेश को मेरा नमस्ते कहना जी। ओके, चलो हवलदार। पीछे ही पड़ गया था, अब क्या करें? हमें तो लाश को किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगाना था। अभी भी वक्त है, कोई और जगह ढूंढ लेते हैं। हाँ ठीक है, चल। राज, राज भाभी। रे बाप रे। राज, राज। जी भाभी। इतनी रात तक कहाँ घूमते रहते हो, चलो जल्दी ऊपर आ जाओ। आया भाभी। बानी अब जाना ठीक नहीं है, भाभी ने भैया को बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर शीतल का क्या करेंगे? राज एक आइडिया है। क्या? कल सुबह सत्यम सिनेमा के अंडरग्राउंड पार्किंग में चलते हैं। हाँ, वहां पे बहुत सी गाड़ियां खड़ी होंगी, हम लोग हर एक गाड़ी की एक एक डिक्की चेक करेंगे और अगर कोई भी डिक्की हमें खुली मिल गई तो ये लाश उसमें डाल देंगे। क्या? लेकिन अगर हमें किसी ने देख लिया तो? हम एक काम करेंगे, हम शो शुरू होने के बाद जाएंगे, उस वक्त बहुत सुनसान होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं गाड़ी अभी गैरेज में पार्क कर देते हैं। हाँ कल तुम दोनों सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है चल। ये पैसा कहाँ रखेंगे? पैसा? ओह शिट, एक काम करता हूँ, मैं ये बैग अभी गैरेज में छुपा देता हूँ। हाँ ठीक है।
चल चल जल्दी चल। भाभी से पूछते। हाँ भाभी, भाभी जी वो गाड़ी कहाँ गई? जीप में कुछ खराबी हो गई थी इसलिए गाड़ी तुम्हारे भैया पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन? कुछ गड़बड़ लगती है, कहीं ने पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं यार, पता चल गया होता यहाँ प्रेस वाले आगे होते, भीड़ जम गई होती, हंगामा हो जाता यहाँ पे। ये ठीक कह रहा है राज, चलो जल्दी से गाड़ी लेके निकल चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। मैं ये कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ आपसे ये शिकायत करने आया हूँ कि आप मनोरी आइलैंड क्यों आए? आपकी इस गलती की वजह से किडनैपर ने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा, न जाने उसने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा है। जितनी फिक्र आपको अपनी बेटी की है उतनी फिक्र पुलिस को भी है, आपकी बेटी को ढूंढ निकालना पुलिस का फर्ज है। आप फर्ज नहीं निभा रहे, आप गधा मसूरी कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी आपको मेरे और किडनैपर के दरमियान आने की है? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ, लेकिन शायद आप इतना भी नहीं जानते कि जब आपकी बेटी का किडनैप हुआ सबसे पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्या क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं ये? मैं तुमसे पूछता हूँ, मान लो कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है और तुमने मुझसे ये धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तुम मेरी बेटी को जान से मार डालोगे, तो क्या मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा? नहीं, मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसीलिए तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे, मैंने उन्हें दे दिए। आपने 5 लाख रुपए दे दिए? लेकिन हनुमान मंदिर ना पहुंचे ना वो किडनैपर पहुंचा। आपको कैसे मालूम हुआ कि किडनैपर ने मुझे हनुमान के मंदिर बुलाया था? ये पुलिस गधा मजदूरी नहीं करती है, आपके घर आने वाले हर टेलीफोन को मैं सुन रहा था। तो आपने ये नहीं सुना कि उसने दोबारा फोन करके मुझे कहीं और बुलाया था? ओह, इसका मतलब ये हुआ कि वो किडनैपर हमें उल्लू बना रहा था। क्या बना रहा था? उल्लू? पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी, अगर वो कमबख्त मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं उस किडनैपर को गोली मार दूंगा। भैया वो चाबी, हम चलते हैं। हाँ ये लो, आप फिक्र मत कीजिए कला जी, आपकी बेटी को मैं ढूंढ निकालूंगा। वो किडनैपर कितना भी चालाक और होशियार क्यों ना हो, वो मेरी आंखों में धूल झोंक कर नहीं जा सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो किडनैपर मेरी बेटी को कहां ले गया होगा?
धीरज से काम लो कैलाश जी। अब जीवन और मरण अपने अख्तियार में तो है नहीं, भगवान की मर्जी के आगे भला किसकी चली है। जनता ने इस हादसे पे जो दुख व्यक्त किया है, जनता की पूरी हमदर्दी आपके साथ है, और अब चुनाव जीतना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। अरे भाई क्या करूंगा अब ये चुनाव जीतकर, झूठी खुशियां पाकर, जबकि मेरी सच्ची खुशी ही मेरे पास नहीं रही, सच्ची खुशी मेरे पास नहीं रही। खून पर हमने पर्दा तो डाल दिया, लेकिन जिंदगी भर यह पछतावा रहेगा कि उसका खून हमारी वजह से हुआ। जिंदगी भर यह डर हमारा पीछा करता रहेगा कि कहीं हम पकड़े न जाएं। हमें कुछ नहीं होगा नीलम, क्योंकि हम बेकसूर हैं, और अगर फिर भी हालात में साथ ना दिया तो हम पुलिस को जाके साफ साफ बता देंगे, फिर चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए। ऐसा मत कहो राज, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। तो वादा करो नीलम, जिंदगी किसी भी मोड़ पर किसी भी हालात में तुम मेरा साथ निभाओगी। वादा करो नीलम।
पास तुम्हारी भी गिरफ्तारी का वारंट है। पहले तुम सब लोगों ने मिलकर एक मासूम लड़की का अगवा किया, उसके बाद उसका खून कर दिया। नहीं भैया, हमने कोई खून नहीं किया। बकवास बंद करो। हवलदार, अरेस्ट हिम। नहीं भैया, हमने कोई खून नहीं किया। अरे मेरा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया भैया, प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। अच्छा अच्छा, अब उठ और जल्दी से तैयार हो जा। तेरे भैया ने तुझे और बॉनी को पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन? शीतल तुम्हारी क्लासमेट थी, उसी के मर्डर केस की इंक्वायरी के सिलसिले में मैंने तुम दोनों को यहां पे बुलाया है। तुम दोनों उसके बहुत नजदीक थे, तुम्हारी मदद से मैं छानबीन करके उस कातिल तक पहुंचना चाहता हूं। सर, लगता है कातिल का पता अभी और इसी वक्त लग जाएगा। वो कैसे? एक आदमी आया है, वो शीतल के मर्डर के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसका नाम अन्ना है। अंदर भेज दो। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं। हाँ, हम चले। अरे बैठो बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नमस्ते। तुम मर्डर के बारे में क्या जानते हो? चार दिन के पहले ये चौकरे मेरा कॉटेज में आया था साहब। तुम्हारी कॉटेज में आई थी? हाँ। और कौन था इसके साथ? इसके साथ में एक चौकरी और दो चौकरे लोग, टोटल चार। ये लोग मेरे कॉटेज में मिलके आया, पिकनिक बनाने के लिए मेरे पास आया। मैं उनको कॉटेज दे दिया, 25 रुपए एडवांस लेके हम उनको कॉटेज दे दिया। उसके बाद में कॉटेज चोर का कभी भागा मेरे को मालूम नहीं है। मैं ये पेपर देख किधर आया, मेरा पैसा भी नहीं दिया साहब। आप लोग पकड़ तो लोग बोला आने के पैसा किधर है? बो मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग इन्हें चिड़ी चिड़ी पुल्ले उड़ो बोलने पर गए, इन्हें नारे ले पड़े इन्हें ले। इस लड़की के साथ जो दो लड़के और एक लड़की आए थे, क्या तुम उनको पहचान सकते हो? कैसे नहीं पहचानेंगे साहब, मेरे को लगता पैसा लेने के, मैं आंख बंद करके इधर ढूंढूंगा तुम्हें वो लोग को पहचान लेंगे साहब। वो लोग कभी मेरे को मिल गए ना, मेरे को मिल गए ना, आपके सामने ला के इधर बिठा के रख देंगे जैसे ये लोग इधर बैठ ले। सॉरी सर, मेरा पैसा है, बच्चे लोग छोटे छोटे इन्हें नारे ले पड़े इन्हें ले। अरे मुझे ये बताओ कि उनका हुलिया कैसा था? हुलिया उलिया कैसे? अरे वो दिखता कैसा था, देखने में कैसे थे? देखने के लिए वो तीन के अंदर एक चौकरी था, एक ब्यूटीफुल, एक चौकरा लंबा लंबा गोरा गोरा, और उसका चूता 12 नंबर का बड़ा अस्त का माफी। दूसरा चौकरा वो टप्पर एकदम लुक्का खड़कलस, वो कभी मेरे को मिल गया ना, उसका ऐसा गर्दन पकड़ के कच्चे नारियल के माफी चीर 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 काट मेरा पैसा नहीं दिए ना सर। सब मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग, इतने छोटे छोटे बच्चे। बच्चा, एक मिनट, वो लोग आपस में क्या बात करते थे? वो लोग आपस के अंदर 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 क्या गुजर बुजर मेरे कितने कुछ मालूम नहीं सर। अरे बोलते क्या थे? बोलते साहब मैं सुना नहीं, मेरे कान का बहुत लपड़ा, वो दिन ये अंदर डालने के भूल गए। तुमने कुछ देखा? चाय पी गए हम। अरे तुमने कुछ देखा? खाना खाना खा गया भाई, इसको डालना यहाँ। हाँ, तुमने कुछ देखा?
देखा, मैं देखा, मैं देखा वो लोग का मुंह पूरा पसीना पसीना लटका। मेरे को डाउट है वो लोग चोकरी को मार के खत्म किया होगा और डेड बॉडी किधर भी फेंकने का प्लानिंग किया होगा, मेरे को पूरा डाउट है। सर लगता है कत्ल इसी ने किया है और यहां आकर इल्जाम दूसरों पे डाल रहा है। इसको अंदर ले जाकर धुलाई करे, सब कुछ कबूल कर देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या खराब हो गया है? दिमाग। वो कॉटेज कहाँ है? उनके जाने के बाद यहां पर और कोई दूसरा आया था? इधर कोई नहीं आता, इधर कोई आता ही नहीं सर। ये बुक को अलग भूल के गया सर, ये बुक को अलग है। ये भैया अब तक क्यों नहीं आए? यही तो मैं भी सोच रहा हूं, कहीं उन्हें सबूत तो नहीं मिल गया। हाँ राज जी भाभी। बॉनी भैया, और कितनी देर अपने भैया का इंतजार करोगे? मैं खाना लगा देती हूँ। लो तुम्हारे भैया भी आ गए, अब तो खाना खाओगे? क्या हुआ भैया, कुछ पता चला? अरे कातिल कल पुलिस की हिरासत में होगा। वो कैसे? इस नावल के जरिए। ये नावल मुझे स्कॉटिश से मिला और मैं अभी अभी कैलाशनाथ जी से मिलकर आ रहा हूं और उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी बेटी शीतल को नावल पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। इस हिसाब जाहिर होता है कि कातिल नावल पढ़ने का आदि था। मैं कल सुबह नेशनल लाइब्रेरी जाकर रजिस्टर से उस कातिल का नाम ढूंढ लूंगा जिसने वहां से यह नावल लिया है। उसके बाद उस कातिल को पकड़ना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अरे बच गए यार, कल भैया लाइब्रेरी जाएंगे उन्हें वहां किसी और का नाम मिलेगा। अबे खा, किसी और का नाम लिखा हुआ है? क्यों? वो नावल मैं लेकर आया था, पर मेरा और नीलम का नाम लिखा हुआ है। तू नीलम? अरे बाप रे, हमें अभी इसी वक्त नेशनल लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा है। क्या है? इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा। तुम बीच में मत बोलो। ये नावल तुम्हारी लाइब्रेरी का है, मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने ये नावल यहां से लिया। क्या लिया? नावल। जस्ट अ मिनट। ये क्या? ये
पन्ना तो फटा हुआ है। यानी के कातिल को ये पता चल गया था कि मैं यहाँ लाइब्रेरी में आने वाला हूँ, लेकिन कैसे पता चल गया था? आखिर ये कातिल है कौन? डार्लिंग, अब तो मैं यहां हमेशा के लिए रह सकती हूं। ये ख्वाब देखना छोड़ दो, जानती हो कौन हूं मैं? मैं इस शहर का एक इज्जतदार आदमी हूं, मेरी कोई पोजीशन है, हैसियत है। उस वक्त तुम्हें अपनी पोजीशन और हैसियत का ख्याल नहीं आया जब तुम बंद करो अपनी जबान, जाओ चलिए यहां से। मैं जानती हूं कैलाश, तुम जैसे मत क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। मैं तुम्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हूँ जिन्हें देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ जाएगा। पसंद आए? ब्लैकमेल करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ सौदा करना चाहती हूँ डार्लिंग। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? तुम सिर्फ एक ब्लैंक चेक पर अपने प्यारे प्यारे हाथों से दस्तखत कर दो, फिगर मैं खुद ही भर लूंगी। और हाँ, मेरे स्टेज शो में चीफ गेस्ट बनकर तुम ही आ रहे हो। तुम्हारा शो है? जी हाँ। ठीक है, मैं चेक भी उसी दिन अपने साथ ले आऊंगा। गुड बाय। कॉलेज छूट गया, सब लोग बाहर आ रहे हैं। पहचानो इनमें से वो लड़का लड़की कौन है जो उस दिन शीतल के साथ उस कॉटेज में गए थे। यस सर, मैं उसको गौर से देख रहे हैं। आज के शो में जूली के साथ किसका सिलेक्शन हुआ है? पता चला है आज शाम होने वाले डांस प्रोग्राम में राज और बोनी का सिलेक्शन हुआ है। राज और बोनी का सिलेक्शन? हाँ। ये अन्ना यहाँ इंस्पेक्टर के साथ क्या कर रहा है? ठीक है सर, क्या से? अरे अरे, क्या हुआ? पर भैया और अन्ना खड़े। अच्छा, ओह शिट, और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है भैया अन्ना को लेकर हमें बचाने के लिए आए। ओ चल, पीछे के रास्ते निकल जाते। चल हाँ चल। इन लोगों में से कोई नहीं है सर। सर, उन लोगों में से एक चोकरा ऐसा नाक में डालने का। क्या डाल के? ये चूंगने का आदत। इसका मतलब बोनी। We'll be right back.
परवाना तेरा। हे सुन जरा तू अफसाना मेरा, सब तो मेरा सलाम है, हर ज़बान पे मेरा नाम है। देखो मुझे मैं हूँ दीवाना 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 दीवाना।
साथ डांस कर रही थी उसे पहचाना? अरे हाँ, तो क्यों उसे बार बार घूर रहा था? राज, ये वही लड़की है जिसकी गाड़ी से शीतल का एक्सीडेंट होते होते बचा। क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शीतल को जानबूझ के मारना चाहती हो, क्योंकि शीतल का मर्डर उसके दूसरे दिन हुआ था। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे तू? देख, हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन फिर भी उससे मिलने में क्या हर्ज है? हाँ, एक काम करना, तू नीचे नीलम के साथ लॉबी में वेट कर, मैं अभी आता हूँ। ओके? अरे बात तो सुन, हाँ जल्दी आ जाना, डिनर पार्टी पे जाना है। हाँ मैं आता हूँ, जल्दी तू वेट करना। ओके। तुमने मुझे मारा? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारे कहने पर मैंने नीलम और शीतल को कुचलने की कोशिश की। शीतल का खून करते वक्त भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। मैंने तुमसे रुपए क्या मांगे, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और वो सारे फोटोग्राफ और शीतल के खून की एक एक बात उन्हें बताऊंगी। मेरा चाहे जो भी अंजाम हो मुझे परवाह नहीं, तुम्हें तो मैं फांसी पर लटका कर छोड़ूंगी। बोनी अभी तक नहीं आया, पार्टी में कब पहुंचेंगे? नीलम, तुम ऐसा करो, स्टॉल से पुलिस को फोन करो और सीधा हॉस्टल चली जाना। ओके? बोनी कहाँ है? बोनी को कुछ गुंडे उठा के ले गए, ताज भी उनके पीछे गया है। गुंडे उठा के ले गए? हाँ। कहाँ? रोको! रोको! Bonnie!
विंडोज के पीछे उसका भैया। यहां भी रास्ता बंद है। बयान के मुताबिक शीतल तो तुम लोगों के साथ थी। हाँ भैया, उसका अगवा हमने जरूर किया लेकिन कत्ल हमने नहीं किया। नहीं किया। तो फिर उसका कातिल कौन है? शीतल बड़ी, कौन है उसका कातिल? अरे तूने देखा उसको? सुन, इससे पहले अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ, इसकी जान खतरे में है, जल्दी से जल्दी। जख्मी हो गया। मेरे और भैया ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और सुनो नीलम, इस वक्त हॉस्टल में कौन कौन है? सब लोग तो पार्टी में गए हुए हैं, मैं अकेली हूँ। अकेली हूँ? नीलम, तुम सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दो और जब तक मैं ना हूँ खोलना मत। क्यों, क्या बात है? देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारी जान खतरे में है।
मेरी जान खतरे में, मुझे कौन मारना चाहता है? नीलम, नीलम, क्या हुआ नीलम? यहाँ लाइट चली गई है। हेलो 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 नीलम, हेलो 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 नीलम, हेलो हेलो नीलम, हेलो वॉचमैन, वॉचमैन, ये वॉचमैन कहाँ गया? वॉचमैन, वॉचमैन, thank you.
हवलदार बयान लिखो। अच्छा बताओ, तुम अपनी भतीजी नीलम का खून क्यों करना चाहते थे? न वो मेरी भतीजी है, न मैं उसका अंकल हूं। क्या? मैं नीलम के पिता अनुपम चौधरी के फैक्ट्री में मैनेजर था। वो मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी हालात में उन्होंने अपनी 3 साल की बच्ची नीलम और अपना सारा कारोबार मुझे सौंप कर चल बसे। फिर 15 साल बाद जब नीलम 18 साल की हुई तो सेठ अनुपम चौधरी का वकील एक वसीयतनामा लेकर मेरे पास आया। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि जब नीलम 18 साल की हो जाए तो ये सारा कारोबार और प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। और हाँ, यदि नीलम को कुछ हो जाता है तो उसके गार्जियन होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी आप ही के पास रहेगी। ये सुनकर मैंने सोचा, क्यों ना नीलम का कत्ल करके सारी दौलत का मालिक मैं बन जाऊं। मैं जानबूझकर नीलम को पुणे से बंबई लाया। मैं चाहता था कि उसकी मौत एक हादसा लगे, इसीलिए जूली नाम की एक डांसर से कॉन्टेक्ट किया जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक दिन नीलम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रही थी जब जूली ने उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की। वो नाकामयाब रही और उसके बाद मुझसे आकर मिली। क्या हुआ? मैं उसे कुचलने वाली थी, उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। डैम, कहां गए वो लोग? शायद हाईवे की तरफ गए हैं। चलो फॉलो करो। फिर हम लोग उनका पीछा करते हुए मनोरी आइलैंड पहुंचे। वहां मैंने देखा वो लोग एक कॉटेज में ठहरने की बात कर रहे थे। मैं तो उसी वक्त नीलम का खून कर देता, लेकिन वहां राज, बॉनी और शीतल मौजूद थे। हम वापस लौट गए, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं वहां पहुंचा। वहां कोई नहीं था, नीलम बिल्कुल अकेली थी। मैं पीछे के रास्ते की तरफ मुड़ा। अरे वो दोनों अभी तक आए कि नहीं? अभी मुंह लटका के आते ही होंगे। मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। नीलम सोफे पर बैठी थी। फिर मैं उसे मारने लगा। अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो नीलम बाहर थी, राज और बोनी के साथ। मैं हैरान हो गया। पलट कर देखा तो वो शीतल थी। मैं फौरन पीछे के रास्ते से निकल गया और इस तरह मेरे हाथों गलती से नीलम की जगह शीतल का खून हो गया। लेकिन तुमने जूली का खून क्यों किया? वो तो तुम्हारे लिए काम करती थी। जूली एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर थी। पुलिस की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। बोनी ने मुझे उसका खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसे मारने के लिए मैंने गुंडे भेजे। और तुम दोबारा नीलम का खून करने के लिए हॉस्टल पहुंच गए। हवलदार, बंद करो इसे। ज्यादा तो नहीं लग रहा अंकल? हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। बेटी, मेरी बेटी तो अब मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन आइंदा कभी किसी से ऐसा मजाक मत करना जिससे उसकी दुनिया उजड़ जाए या उसकी जान चली जाए। साहब, मैं आपको बताने के लिए आया। वो लड़के का जो खून हो गया था ना, ये तीनों उसके साथ में था। साहब को बोलो मेरा पैसे देने के लिए। साहब मेरे गरीब आदमी, मेरे छोटे छोटे बच्चे लगे छोटे। साहब आप इसको पकड़ा? अच्छा किया। ये मेरा कॉटेज में छोटे छोटे लड़के, इतना छोटा नहीं, इतना छोटा लड़की ला के मेरे को खाली 20 रुपए देता था। और ये राक्षस मेरे को बोलता था किसको बोलना नहीं, किसको बोलेगा मेरे को बहुत मारेगा, इसलिए डर के मैं कभी कंप्लेंट दिया नहीं आपको। मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग, मैं क्या गरीब आदमी, इतने छोटे छोटे मेरे बच्चे। ये छोटे छोटे क्या है? अरे ये बच्चे हैं कि पिल्ले हैं? पिल्ले
क्या पुलिस है, जादू का पुलिस है, आपको मेरा सरनेम भी मालूम है, बिल्ले। मिट ना सकेगा बसाना।